हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेल्ट ब्लाउज की फुल कटिंग करने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कटिंग शुरू कर लेते हैं अस्तर पर। तो अस्तर हमने ले लिया है 1 मीटर। देखिए दोस्तों, अस्तर को हमने फोल्ड करके बिछा लिया है। बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है क्योंकि पीछे से ये बंद है और सामने से खुला है। तो देखिए, लंबाई का निशान लगा लेंगे। पहले कपड़े को नीचे से इसको सीधा कर लेंगे। अगर कपड़ा तिरछा है तो इस कपड़े को पहले सीधा कर लीजिए निशान लगाकर। तो देखिए, 2 इंच हमने एक निशान और लगाया है। ये हमारा निशान मार्जिन का है और इसको भी सीधा कर लिया है निशान को। अब तैयार लंबाई का निशान लगा लेंगे दोस्तों। तैयार लंबाई इसकी 13 इंच है, तो 13 इंच पर निशान लगा लिया है। और शोल्डर हम इस पे रख रहे हैं 5 इंच। तो दोस्तों देखिए, शोल्डर का हमने निशान 5 इंच पर लगा लिया है। और आर्म होल का निशान लगाएंगे दोस्तों 6.5 इंच पर। और ये 38 साइज का ब्लाउज है दोस्तों। चेस्ट साइज इसका 38 है और कमर इसकी 32 साइज है। और चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर 38 का 9.5 इंच आएगा, तो 9.5 पर लगा लिया है निशान। और कमर का 8 इंच आएगा और 1 इंच प्लेट का ले लिया है। और 2 इंच मार्जिन का रख लेंगे, ऊपर भी 2 इंच मार्जिन का रख लेंगे। दोनों निशानों को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब आर्म होल की साइड पर निशान लगाएंगे यहाँ पर 1 इंच 2 पॉइंट का। ज़्यादा हम यहाँ पर गहराई नहीं दे रहे हैं आर्म होल की बैक वाली पार्ट की, क्योंकि पीछे से ये डीप नेक है। अगर हम ज़्यादा आर्म होल की गहराई देंगे तो आर्म होल की साइड पर झोल सा आ जाता है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब इसकी हम जो निशान हमने लगाए थे उस पर हम कटिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, आप लाइक करना भूल जाते हो। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अगर आपको समझ में आ जाए तो। तो देखिए, बैक पार्ट हमारा कंप्लीट कटिंग हो गया है। अब हम इस पर फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, फ्रंट वाली साइड हम खुली रखेंगे, तो 1/2 इंच इस तरीके से पहले निशान लगाएंगे खोखाई की पट्टी का, मार्जिन का इस तरीके से। तो देखिए, 1/2 इंच हमने खोखाई की पट्टी के मार्जिन का रख लिया है। और इस पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए बैक वाले पार्ट को रख लेंगे बिल्कुल अच्छे से सेट करके। और दोस्तों, इसमें 2 इंच मार्जिन का भी ऐड है लंबाई में, और 1 इंच इसकी फिटिंग में ऐड है मार्जिन। तो सेम निशान हमने पहले लगा लिया है। ये देखिए, सेम टू सेम निशान लगा लेंगे पहले। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर 1 इंच हम नीचे की तरफ और मार्जिन बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है तो मार्जिन तो इसमें चाहिए होगा। तो देखिए, 1 इंच हमने नीचे से भी बढ़ा लिया है, 2 इंच हमारा बैक वाले पार्ट का भी ऐड है, तो लगभग 3 इंच का मार्जिन हो गया इसमें। अब आर्म होल के निशान को ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है दोस्तों ब्लाउज की कटिंग करने का। सारे निशान हमने लगा लिए हैं। अब 1 इंच हम यहाँ से फ्रंट वाले आर्म होल की गहराई दे रहे हैं आर्म होल की। और यहाँ पर गले की चौड़ाई रख ली है 2.5 इंच हुकाई की पट्टी के मार्जिन को छोड़कर। अब गले की लंबाई रख लेंगे दोस्तों यहाँ पर 7 इंच। और नीचे से गले की लंबाई हमने 3 इंच रख ली है। यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर गोल शेप बना रहे हैं। आप इसमें कोई भी गला बना सकते हो, पान शेप का भी, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब यहाँ पर पहले हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 38 साइज में बेल्ट का निशान हम मार्जिन के साथ ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा लेंगे बेल्ट का। इसमें मार्जिन भी ऐड है दोस्तों। अब निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे।
अब यहाँ से टक्स पॉइंट की यानी प्लेट की चौड़ाई ले लेंगे 3 इंच भुखाई वाले पट्टी के मार्जिन को छोड़कर। अब यहाँ पर प्लेट की लंबाई देख लेंगे टक्स पॉइंट की, तो हमने 11 इंच पर निशान लगाया है 38 साइज के ब्लाउज के लिए। अब यहाँ पर एक प्लेट के लिए ऐसे निशान लगा लेंगे। ये प्लेट दोस्तों कम से कम 1.5 इंच का होगा। देखिए निशान हमने प्लेट का लगा लिया है। अब दो दो गैप के हिसाब से, दो दो इंच के गैप के हिसाब से चारों निशान हमको लगा लेने हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, आप लाइक करना भूल जाते हो। तो देखिए प्लेट के निशान लग गए हैं और आगे से हम हल्की सी गोलाई देंगे, तकरीबन 1/2 इंच की सी। अब पीछे से भी 1/2 इंच की सी गोलाई देंगे। अब देखिए बेल्ट में हम कोई मार्जिन नहीं लेंगे, बस हुकाई की पट्टी का मार्जिन रखेंगे। देखिए 8 इंच हमने कमर की ले लिया है और जो भी मार्जिन हमने बैक वाले पार्ट में लिया था वो हमने रख लिया है। बेल्ट में कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, ना लंबाई में ना चौड़ाई में। और ऊपर की साइड पर यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन और बढ़ा लेंगे, 1 इंच का पहले से ही इसमें ऐड है बैक वाले पार्ट का। देखिए ऐसे ऊपर से मिला दिया है हमने, निशान कंप्लीट लग गए हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। और कटिंग और स्टिचिंग सीखने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा करो। देखिए फ्रंट वाले आर्म होल से हम इसको कट कर रहे हैं। बेल्ट को भी कट कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट ब्लाउज कटिंग हो गया है हमारा। अब हम इसके बैक वाले पार्ट को लेंगे और इसके आर्म होल को नापेंगे बाजू कट करने के लिए। और दोस्तों बाजू कट करने का भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए इस तरीके से राउंड में रखेंगे इंच टेप को। ये देखिए ये यहाँ पर 9 इंच आ रहा है। अब बाजू कट करेंगे। बाजू कट करने के लिए हमने अस्तर को रख लिया है फोल्ड करके चार तह में, दोनों बाजू एक साथ कट कर रहे हैं। और आगे की साइड से कपड़े को सीधा कर लेंगे। देखिए इसकी लंबाई यहाँ पर 5 इंच रखेंगे तैयार, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्जिन का, तो 6 इंच पर निशान लगा लिया है। और एक निशान और लगाएंगे 3 इंच पर, निशान को भी सीधा कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों बाजू की कटिंग करने का। देखिए इस निशान को भी हमने सीधा कर लिया है। और देखिए बाजू की गोलाई का निशान लगाएंगे, देखिए 7 इंच, और 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। और एक निशान और लगाएंगे यहाँ पर 2.5 इंच का ऊपर की तरफ। और जो हमारा आर्म होल पर 9 इंच आ रहा था वही हम ऐसे ओरेब में रखे के इंची टेप को निशान लगा लेंगे और यहीं से बाजू की शेप दे देंगे। ये देखिए बाजू के भी निशान हमारे कंप्लीट लग गए हैं। और बाजू को भी कटिंग कर लेंगे। और दोस्तों इसके हम फ्रंट वाले आर्म होल की जो गोलाई होती है वो हम नहीं दे रहे हैं बाजू में, वो हम बाद में ही देते हैं मेन कपड़े को ज्वाइंट करके। तो देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको मेन कपड़े पर रखकर कट कर लेंगे। मेन कपड़े को दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करना है। तो देखिए ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों। समझ में आए तो कमेंट में बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।